हेलो दोस्तों, लर्न बेसिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हमें विंडो 10 के अंदर कई अलग अलग जेपीजी इमेज को पीडीएफ में कन्वर्ट करना हो तो वो हम एक बार में कैसे कर सकते हैं। एक बार से मेरा मतलब कि जितनी भी इमेज हैं उनको सिर्फ एक पीडीएफ के पेज के अंदर लेकर के आएंगे, ठीक है। यानी कि अलग अलग पीडीएफ का पेज नहीं बनेगा, ठीक है, एक ही पेज में। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखिए, तीन इमेजेस अलग अलग दिख रही हैं, मैंने तीन ली हैं, आप और ज़्यादा भी ले सकते हैं। इन तीनों को मैं सिंपल एक पेज के अंदर ही लेकर के आऊँगा, ठीक है, और वो भी इतनी आसानी से कि मतलब आप कहेंगे बहुत ही इजी है, ठीक है। अब देखिए उसके लिए करना क्या होगा, तीनों को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने पहला पेज सेलेक्ट कर लिया जेपीजी का, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ठीक है। अब यहाँ पर राइट क्लिक करिए और प्रिंट पे जाइए। देखिए प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, सिंपल यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, प्रिंट का पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद देखिए ऊपर यहाँ दिखा भी रहा है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ। इसमें कई सारे ऑप्शन हैं लेकिन आपको ये बस ये चूज़ करना है, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, इस प्रिंट के ऑप्शन पे आप सिंपल क्लिक कर दीजिए। अब ये सेव करने के लिए बोलेगा, तो जहाँ भी आपको सेव करना हो वहाँ पे सेव कर दीजिए। मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, ठीक है, न्यू पीडीएफ के नाम से मैं इसको सेव कर देता हूँ। डेस्कटॉप पे सेव हो गया, इसको सेव पे क्लिक कर देता हूँ। मेरी फाइल ये डेस्कटॉप पे सेव हो रही है और तीनों जो इमेज थी जेपीजी पीडीएफ पेज के अंदर आएंगी, ठीक है। वो भी देखिएगा कैसे ये सेव होते हैं, यहाँ से हट गया। अब हम लोग नीचे इसको हटा देते हैं। अब ये देखिए न्यू पीडीएफ पे है, अब इस पर क्लिक करूँगा जो हमारी फाइल यहाँ सेव हुई थी। अब आप ये देखिए पहला पहला पहली इमेज, फिर दूसरी इमेज और ये फिर से नीचे तीसरी इमेज। तो इस तरीके से आप तीनों इमेजेस को हम एक ही पीडीएफ पेज के अंदर ले आ देते हैं, ठीक है। ये मतलब इसके लिए हमें कहीं बाहर दूर दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन कोई सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप विंडो 10 आपके पास है तो ये सिंपल आप एक बार में कर सकते हैं, उसमें जो प्रिंट ऑप्शन का यूज़ होता है उसको यूज़ करके, ठीक है। और इसमें से तीन ही नहीं, आप और भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी सारी इमेजेस हैं और कितने सारी इमेजेस को आप पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।